हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्राइडेंट शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आज के दिन आप लोग ट्राइडेंट में देखेंगे तो आप लोगों को 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है ट्राइडेंट के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो गिरावट आई है, कहीं ना कहीं एक न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि यहाँ पे ट्राइडेंट के जो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं दोस्तों, गुंजन जी की तरफ से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप इसको निगेटिव न्यूज़ बोल सकते हैं जो कि ट्राइडेंट की तरफ से निकल के आ रही है। चलिए अभी हम लोग डिटेल में चलेंगे, ट्राइडेंट के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले आज के दिन देखिए, तो आज के दिन अगर आप देखेंगे टोटल 95,91,685 क्वांटिटी आप लोगों को ट्रेड होते हुए नजर आई। वहीं पे अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात कर ली जाए तो 53,88,931 क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पे डिलीवरी में आज के दिन उठाते हुए नजर आए, जो कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी में देखेंगे तो आप लोगों को 56% की डिलीवरी आप लोगों को यहाँ पे ट्राइडेंट के अंदर आज उठाते हुए नजर आए दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे न्यूज़ की तरफ चलने से पहले कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन लोगों के पास यहाँ पे ट्राइडेंट का शेयर है दोस्तों, उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्राइडेंट के 52 वीक हाई से अगर आप देखेंगे तो 14.35% नीचे की तरफ आप लोगों को ट्राइडेंट का ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक चीज है दोस्तों जो कि आप लोगों को ट्राइडेंट में यहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम अभी भी आप लोगों को यहां पे बुलिश मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है ट्राइडेंट के अंदर। और अगर एक चीज और नोटिस करेंगे आप ट्राइडेंट के अंदर, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से प्रमोटर्स के बारे में देखेंगे तो जून 2018 में आप देख लीजिएगा प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी दोस्तों, 67.78% की आप लोगों को होल्डिंग ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिली थी, जो कि जून 2018 से अभी मैं मार्च 2021 की बात करूंगा तो आप देखिए ट्राइडेंट के अंदर आप लोगों को प्रमोटर्स की होल्डिंग 67 से बढ़ के 73% आप लोगों को होते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोटर्स पूरा यकीन के साथ दोस्तों यहाँ पे अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स का अगर आप देखेंगे, जो चीज़ पहले 67% के आसपास आप लोगों को देखने को मिल रही थी होल्डिंग्स, वो चीज़ अभी आप लोगों को बढ़ के यहाँ पे 73% आप लोगों को होते हुए नजर आ रही है। वहीं पे अगर पब्लिक के पास देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स जो दोस्तों आप लोगों को ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वो पब्लिक के पास देखने को मिल रही है, जो कि 22.40% का स्टॉक आप लोगों को यहाँ पे होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिल रही है ट्राइडेंट के अंदर। तो चलिए अभी यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ आ चुका हूँ, ट्राइडेंट के न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, परसुएंट टू रेगुलेशन 30 एंड अदर अप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर गुंजन श्रॉफ, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ट्राइडेंट के, ऑफ द कंपनी हैज टेंटर्ड हिज रेजिग्नेशन ऑफ द एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी सिटिंग मेडिकल एंड पर्सनल रीजन ही शैल बी रिलीव्ड फ्रॉम द सर्विसेज WEF May 31, 2021 बिजनेस आवर्स। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं मिस्टर गुंजन जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं ट्राइडेंट कंपनी के, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे दिया है कंपनी को। और जब यहाँ पे कंपनी से इस बारे में पूछा गया कि भाई यहाँ पे जो मिस्टर गुंजन श्रॉफ जी हैं, वो उन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया, तो कंपनी ने यहाँ पे दोस्तों जो रीजंस बताए हैं, उन्होंने बताया कि ये इनके कुछ पर्सनल रीजंस थे और यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से भी ये आप लोगों को यहां पे इस पद से इस्तीफा देते हुए, यानी कि रेजिग्नेशन लेटर देते हुए नजर आए, जो कि आप लोगों को 31 मई 2021 के अंदर दोस्तों यहां से रेजिग्नेशन लेते हुए नजर आएंगे। अभी देखिए यहां पे, अभी 31 तारीख को यहां पे CFO, यहां पे जो भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर श्रॉफ जी हैं, उनकी जगह कौन आता है दोस्तों, वो चीज अभी देखना यहां पे बाकी है। तो अभी यहां पे देखिए नेक्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड इन द मीन टाइम मिस्टर अभिनव गुप्ता, ऐसा बातचीत चल रहा है कि मिस्टर अभिनव गुप्ता जी जो हैं यहाँ पे अब नए CFO होने वाले हैं कंपनी के अंदर। तो ये देखिए कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं बोलूँगा मैं इसको जो निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिस्टर अभिनव गुप्ता भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी टाइम से ट्राइडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनने के बाद अभिनव गुप्ता भी यहाँ पे कोशिश यही करेंगे कि ट्राइडेंट को एक नए मुकाम पे लेके जाते हुए नजर आए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही थी और
मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अभी मैं कुछ आप लोगों के साथ यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों के साथ यहाँ पे ट्राइडेंट का शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए अगर जो पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों आप लोगों को भागता हुआ नजर आएगा ट्राइडेंट, 17 रुपए 27 पैसे के आसपास पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस अगर भागता हुआ नजर आएगा ट्राइडेंट का शेयर 17 रुपए 73 पैसे के आसपास फेस करता हुआ नजर आएगा। और तीसरा रेजिस्टेंस आप लोगों को 18 रुपए 7 पैसे के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर सपोर्ट लेवल की बात कर ली जाए तो 16 रुपए 47 पैसे के आसपास आप लोगों को ट्राइडेंट सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। सेकंड जो सपोर्ट बनेगा ट्राइडेंट के अंदर 16 रुपए 13 पैसे के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और जो तीसरा सपोर्ट यहाँ पे ट्राइडेंट के अंदर रहने वाला है 15 रुपीज 67 पैसे के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये चीज थी, पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को ट्राइडेंट के बारे में बात किया है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर खबर तुरंत पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।